इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या गृह युद्ध और दंगा भड़काती है इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया? केंद्रीय भू अर्जन कानून में मुआवजा पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी फांसी? केंद्रीय भू अर्जन कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ही क्यों किया विसर्जित? इच्छाधारी कोर्ट की बेंचों के जजों ने ही क्यों फंसाया भू अर्जन की अपीलों में पेच? संसदीय और संवैधानिक परंपराओं के दायरे में बने कानून को इच्छा से ही बदले जाने की अवैध घटनाओं ने क्या सुप्रीम कोर्ट को इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बना डाला है? पहले देश के एट्रोसिटी SC ST कानून को इच्छाधारी कानूनों द्वारा असंवैधानिक रूप से बदल डाला गया, और अब बाद में केंद्रीय भू अर्जन कानून का असंवैधानिक इच्छाधारी विसर्जन देश में न्यायालयीन परंपराओं पर कुठाराघात नहीं कर रहा है? केंद्रीय भू अर्जन कानून का सुप्रीम कोर्ट ने विसर्जन कर केंद्रीय भू अर्जन कानून में मुआवजा पीड़ितों को फांसी दे डाली है। इच्छाधारी सुप्रीम कोर्ट की बेंचों के जजों ने ही फंसाया भू अर्जन की अपीलों की सुनवाई में पेच, और दे डाले पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के न्यायाधीशों को सुनवाई के अधिकार। एक तरफ केंद्रीय भू अर्जन कानून की सुनवाई में इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंचों के जजों ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को ही नहीं उखाड़ फेंका, बल्कि साथ साथ इच्छाधारी कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ से धोखाधड़ी कर संवैधानिक पीठ को दिए जा चुके सुनवाई के अधिकारों की अवमानना कर अपील उस बेंच ने ही खारिज कर डाली जिसने अपील सुनवाई के अधिकार पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंपे थे। क्या उसी बेंच द्वारा इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया की संवैधानिक पीठ से धोखाधड़ी कर देश में गृह युद्ध और दंगा भड़काने जैसे हालात पैदा नहीं किए जा रहे हैं? अब देश की सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध के हालात पैदा करवाती है और दंगा भड़काती है। अब देश की सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध के हालात पैदा करवाती और दंगा भड़काती इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में कहलाने पर क्या मजबूर नहीं हो रही है? इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया के मुखिया मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया में सहयोगी जजों से समन्वय तथा सामंजस्यता क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? यहां देखिए किस तरीके से केंद्रीय भू अर्जन कानून की अपील सुनवाई में पेश आया। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय न्यायाधीशों जिसमें जस्टिस RM लोढ़ा, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल थे, अपील सुनवाई कर फैसला दिया था। दिनांक 8/2/2018 में जस्टिस अरुण मिश्रा, आदर्श गोयल और शांतनु गोधर ने उक्त फैसले को पलटा। दिनांक 21/2/2018 को पुनः जस्टिस मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और दीपक गुप्ता ने आपत्ति लगाई कि इस तरीके से अगर फैसले को पलटे गए, पूर्व फैसले पलटे गए तो अनियमितता रहेगी और सुप्रीम कोर्ट औचित्य हो जाएगा। दिनांक 8/2/2018 को दिए फैसले को चुनौती दी। ठीक एक दिन बाद 22/2/2018 को दो सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा और आदर्श कुमार गोयल ने अपील सुनवाई के अधिकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को सौंप दिए। दिनांक 6/3/2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपील सुनवाई हेतु मंजूरी दी। पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश AK सिकरी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस प्रशांत भूषण शामिल थे। दिनांक 12/4/2018 को सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय न्यायाधीशों की बेंच जिसमें आदर्श कुमार गोयल और रोहिंटन पाली नारीमन थे, उन्होंने केंद्रीय भू अर्जन कानून में मुआवजे तथा अवैध तोड़फोड़ पर अपील सुनवाई कर पिटीशन खारिज कर केंद्रीय भू अर्जन कानून का ही विसर्जन कर डाला।
ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब मामला दिनांक 6/3/2018 को संवैधानिक पीठ सुन रही थी, तो फिर जो संवैधानिक पीठ को भेजने वाले दो जजों ने जो दिनांक 12/4/2018 को फैसला दिया, उससे केंद्रीय भोजन कानून का विसर्जन ही कर दिया गया। पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक न्यायाधीश जस्टिस ए के सिकरी ने एसएलपी डायरी नंबर 38730 दिनांक 23/11/2016 को पारित दिशा निर्देशों की अवहेलना ट्रायल कोर्ट क्यों कर रही है? उक्त एसएलपी डायरी नंबर 38730/2016 की सुनवाई प्रक्रिया में इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया के दो न्यायाधीश जस्टिस ए के सिकरी एवं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे मुआवजे बिंदु पर लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा धोखाधड़ी किए जाने और झूठे हलफनामे को पकड़ने में असफल क्यों रहे? इंदौर गाड़ी अड्डा रेलवे और ब्रिज में 5 करोड़ का मुआवजा प्रस्तावित है, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने इस मुआवजे की राशि को पुल की थर्ड लेग बनाने में समाहित किए जाने का हलफनामा दे डाला। सुप्रीम कोर्ट में जिस भूमि को शासकीय बताया था सुप्रीम कोर्ट में लोक निर्माण विभाग और इंदौर जिला राजस्व प्रशासन ने शासकीय बताया था, उस भूमि के सर्वे नंबर 355 पर इंदौर कलेक्टर ने तहसीलदार इंदौर के माध्यम से शासकीय दस्तावेजों में आबादी गांव ठाम दर्शाया हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के दो जज जिन्होंने एसएलपी सुनवाई की थी वे सुप्रीम कोर्ट से धोखाधड़ी करने वाले जिम्मेदार रिस्पोंडेंट पर 400BC की धोखाधड़ी किए जाने पर 400BC की आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर सर्वे नंबर 355 पर आबादी बसाहट के दायरे में दिए गए भोजन प्रक्रिया में मुआवजा पीड़ितों को 10 गुना मुआवजा दिलवाने का आदेश पारित करेंगे? इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया दलित और किसानों को मुआवजा पीड़ित बनाकर फांसी की सजा क्यों दे रही है और फांसी क्यों दे रहा है? क्या भारत की इच्छाधारी कोर्ट पर ताला डालने की प्रक्रिया स्वयं उसके न्यायाधीश साजिशों और षड्यंत्रों को रचकर संचालित करना चाहते हैं? क्या देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाली और दंगा भड़काऊ कोर्ट ऑफ इंडिया देश में अशांति और अराजकता फैलाने का माध्यम नहीं बन रही है? क्या इच्छाधारी कोर्ट ऑफ इंडिया पर ताला संसद और राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाएगा? विचारणीय प्रश्न यह है कि आज देश की संसद ठप हो रही है, भविष्य में कल देश की इच्छाधारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ठप नहीं हो जाएगी?